हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे खास टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके काम को आसान बनाने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। देखिए, ये जो मेरी पहली टिप है ये है बेसन के बारे में। हम जब भी बेसन को स्टोर करके रखते हैं तो इसमें रखे रखे मॉइस्चर आ जाता है, इसमें गांठ सी पड़ जाती हैं। और जब हम इस बेसन का इस्तेमाल ऐसे ही किसी रेसिपी के लिए करते हैं तो क्या होता है, जब हम बेसन को घोलते हैं तो उसमें भी लम्स हो जाते हैं। तो बेसन को जब भी किसी रेसिपी के लिए आपको इस्तेमाल करना हो तो इसे छान लें। और जब हम बेसन को छानते हैं तो क्या होता है, इसकी काफ़ी सारी गांठ छलनी में रह जाती हैं। तो जब आप बेसन को छान रहे हैं तो आपको क्या करना है, जिस छलनी में आपने बेसन डाला है उसमें अगर छलनी छोटी है तो इस तरीके की छोटी कोई कटोरी डाल दें। अगर आपकी छलनी बड़ी है तो उसमें आप इस तरह की कोई स्पून डाल दें। और अब आप इस बेसन को छानिए। आप देखेंगे इस छलनी में बेसन की एक भी गांठ नहीं रहेगी, सारा बेसन आसानी से छन जाएगा। तो ये जो कटोरी होती है इससे और छलनी से टकरा टकरा के बेसन की सारी गांठें टूट जाती हैं। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सारा बेसन छन चुका है। आप देख सकते हैं छलनी में बेसन की एक भी गांठ नहीं बची है। तो टिप बहुत ही अच्छी है, जब भी आप किसी रेसिपी के लिए बेसन इस्तेमाल करें तो ऐसे ही इसे छानें। तो ये टिप आपके बेहद काम आएगी और आपको बेहद पसंद आएगी। ये मेरी टिप है चावल के आटे के बारे में। जब भी हम अपने किचन में कोई ऐसी रेसिपी बनाते हैं जैसे टिक्की, चीला, पकोड़े, कटलेट वगैरह, तो हम उसमें चावल के आटे का इस्तेमाल करते हैं ताकि से रेसिपी में अच्छा क्रिस्प आए। लेकिन घर पर जो हम चावल का आटा तैयार करते हैं वो एकदम बारीक, एकदम फाइन मार्केट जैसा नहीं बन पाता है। लेकिन आज मैं आपको टिप बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से इसे बनाएंगे तो एकदम बारीक फाइन आटा घर पर बना सकेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक गीला कपड़ा लेना है, मतलब कपड़े को भिगोकर अच्छे से निचोड़ लें, उस पर आप चावल को ऐसे डालकर अच्छे से पोंछ लें। अगर आपके पास समय है तो आप चावल को धो सकते हैं और उसके बाद 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में सुखा लें। धूप में ना सुखाएं, इन्हें पंखे की हवा में सुखाएं। तो मैंने इन्हें धोया नहीं है, गीले कपड़े पर अच्छे से पोंछ लिया है। इससे क्या होगा, चावल में लगी धूल मिट्टी सब निकल जाएगी। अब इन्हें आप एक बर्तन में डाल दीजिए और गैस का फ्लेम लो करके लो फ्लेम पर इन्हें ऐसे रोस्ट कर लीजिए। चाहे आपने चावल गीले कपड़े से पोंछे हैं, चाहे आपने इन्हें धोकर पंखे की हवा में सुखाया है, दोनों ही स्थिति में आपको ये रोस्ट करने वाला स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको लो फ्लेम पर इन्हें कम से कम 5-7 मिनट तक रोस्ट करना है। आपको अपने आप दिखने लगेगा चावल थोड़े फूले फूले से हो जाएंगे, बट इनका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चावल को रोस्ट करने के बाद आपको इन्हें एक अलग प्लेट में निकालकर पूरी तरीके से कर लेना है ठंडा। तो चावल जो है वो ठंडे हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेना है और इसके अंदर आपको ये चावल डाल देने हैं और बस। अब आप जार का ढक्कन बंद कीजिए और चावल को पीस कर करिए तैयार। चावल को पीसने के बाद तुरंत मिक्सी का जार ना खोलें, कुछ सेकंड के बाद आप इसे खोलें, क्योंकि तुरंत आप खोलेंगे तो ये उड़ता है चावल का आटा। तो यहाँ पर देखिए एकदम फाइन आटा बन चुका है। आप चाहें तो इसे छान लीजिए, लेकिन इसे छानने की यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एकदम बारीक हो चुका है। तो इस तरह आप घर पर बहुत आसानी से चावल का एकदम बढ़िया आटा तैयार कर सकते हैं। हम सभी अपने किचन में लहसुन का इस्तेमाल तो करते ही हैं और लहसुन के जो छिलके निकलते हैं उन्हें अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन ऐसी गलती अब आपको नहीं करनी है क्योंकि ये जो लहसुन के छिलके हैं ना, बहुत ही काम के होते हैं। आपको क्या करना है, लहसुन जब भी छीले तो इनके छिलकों को एक अलग पॉलीथिन में या डब्बे में आप स्टोर करते जाएं। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से ये लहसुन के छिलके लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने लिए हैं 4 लौंग, और ये जो लौंग है ना, इन्हें आपको खलबट्टे में डालकर कूट लेना है। दरदरा सा इन्हें कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें कूट लिया है, दरदरा सा पाउडर इसका बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको तैयार करना है। और इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप कोई एक मिट्टी का दीपक ले लें। आपके घर में पुराने दिवाली के दीपक रखे हों तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़े से ये लहसुन के छिलके डाल दिए और जो लौंग का पाउडर तैयार किया है वो डाल दिया। और यहाँ मैंने लिया है कपूर, और कपूर को इस तरीके से आपको हाथों से ऐसे तोड़कर डाल देना है। हाथों से इसका पाउडर बन जाता है, जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना कपूर, मैंने वही लिया है और ये इसमें डाल दिया है। मिक्स कर देंगे इसे और अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है सरसों का तेल। आपको तेल जो है वो सरसों का ही लेना है। अगर सरसों का तेल नहीं ले रहे हैं तो नीम का तेल ले सकते हैं, लेकिन आपको रिफाइंड ऑयल वगैरह नहीं लेना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और अब आपको क्या करना है, रुई से एक लंबी बाती बनाकर तैयार कर लेनी है और इसे आप इस तरीके से इस तेल में डिप करेंगे और बस अब आपको ये दीपक जलाना है। इस दीपक को जलाने से क्या होगा, आपके घर में जो भी मक्खी मच्छर है ना वो आसानी से भाग जाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपके घर में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इस तरीके का दीपक बनाकर आप अपने घर में कहीं भी, किचन में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कहीं भी जला सकते हैं। इससे ये जो धुआं सा निकलेगा ना, इससे आपके घर के मक्खी मच्छर आसानी से भाग जाएंगे। अब आपको मक्खी मच्छरों को भगाने के लिए मार्केट से कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है, क्योंकि वो सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। आप इस तरीके का दीपक आसानी से घर में उपलब्ध चीज़ों से बनाइए और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होता है। इसे जलाकर रखिए, ये आपके घर के मक्खी मच्छरों को आसानी से भगा देगा। आपको इन सभी टिप में से कौन सा टिप ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल पर क्लिक करें।